महामारी के लॉकडाउन दौरान प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों से बच्चों के मापियां विचाले पैदा हुए फीसा के रेड़के से हाई कोर्ट ने वड्डा फैसला सुनाया। इस हाई कोर्ट के बेंच ने यह भी कहा कि लॉकडाउन दौरान स्कूल चलाने से आया जायज खर्चा भी वसूलिया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस साल स्कूल फीसा नहीं वधा सकणगे। इस ही विद्यार्थियों के मापियां थोड़ी राहत दिंदिया हाई कोर्ट ने यह गल जरूर आखी है कि जेकर फीस ना देने की हालत में हैं तो अपनी वित्तीय हालत संबंधी ठोस सबूतों के नाल स्कूल को बेनती कर सकते हैं तो स्कूलों इस पर गौर करना होगा तो जेकर कोई हल ना निकलिया तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को संपर्क किया जा सकेगा। जिहड़े स्कूलों की वित्तीय हालत पतली है उन्हां कोल रिजर्व फंड नहीं हैं वह जिला सिक्ख्या अफसर को पहुँच कर सकेंगे। सरकार वालों पिछले फैसले चो बदलाव करने की मांग बारे हाईकोर्ट ने कहा कि मुख मामले का नबेड़ा हो गया है। इसे मापिया का आखना सी कि लॉकडाउन कारण एक तो उन्होंने हालत पहला ही पतली है तो दूजा बच्चे स्कूल भी नहीं गए तो फीस क्यों देन। दूजे पासे स्कूल प्रबंधकों का आखना सी कि अध्यापकों वालों बच्चों ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई है जिस कारण फीस वसूलन के हकदार हैं। इस अलावा स्कूलों के होर भी अनेक खर्चे हैं जिसलिए फीस वसूलनी जरूरी है। उधर स्कूल फीसा का मामला जो पंजाब सरकार के दरबार चो पहुंचा तो सरकार वालों स्कूलों फीस ना लैन आख्या तो बाद मामला हाईकोर्ट में पहुँच गया। हुण हाईकोर्ट ने इसका नबेड़ा करते हुए साफ किया है कि स्कूल बच्चों तो दाखला फीस लै सकते हैं इस अलावा बच्चों तो ट्यूशन फीस भी वसूल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट विजन पंजाब टीवी।